Harmanpreet, you know, I wanted to ask you this question. When you talk about Indian sports, it is a story of a thousand struggles, not just of the players, but also their families. Ye hazaron sangharsh, saikdon chunautiyon se joojhte hue, you know, players and their family members, they endure this. Do you think that this struggle makes your victory sweeter, or you could have done without this? कि इतनी व्यवस्था होती कि ये संघर्ष ना करना पड़ता। सर मैं बोलना चाहूंगा इसमें कि आई थिंक हमारी फैमिलीज हैं, सभी जो जितने भारत हैं, अपना पूरा इंडिया, आई थिंक सभी ने जो सपोर्ट किया हमें जो डे फर्स्ट से, हमने हमारे पे जो बिलीव किया, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए भी, क्योंकि हम खेलना चाहते हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं। अब हर एक मैच में जैसे मनप्रीत भाई ने बोला कि हम 100% देना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, बट उसके साथ हमें पता है हमने हार्ड वर्क किया है, हम ग्राउंड पे हमको ही करना है, अच्छा करना है, खेलना है, सारी टीम को अच्छा खेलना है। बट उसके साथ साथ जो मोटिवेशन मिलता है हमें, जो सपोर्टर्स का, जो फैमिली का, डेली घर पे बात होती है, वही भी सेम चीजें आपसे बोलेंगे कि आप इतने टाइम से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली से दूर रह रहे हो, एंड आपने जितना भी जैसे 15 मंथ हम बोलते आ रहे हैं कि हमने बैंगलोर में स्पेंड किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हमारी लाइफ में। आई थिंक वो बेस्ट टाइम था, चाहे क्वारंटीन में हम स्ट्रगल भी किया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं, बट आई थिंक वो एज ए टीम, एज ए फैमिली रहे हैं। और हम उस दौर में यही बात करते थे कि हम एक टीम नहीं, एक फैमिली बन चुकी है हमारी। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट था सारी टीम के लिए, कि एज ए फैमिली एक दूसरे को मानना, एंड एज ए फैमिली हम एक दूसरे को सपोर्ट करना, एंड पूरा इंडिया कैसे हमें सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक स्पोर्ट्स आर बहुत जरूरी है, आई थिंक चाहे फैमिली है, इंडिया है, कोई भी प्लेयर्स है, कोई भी दूसरी स्पोर्ट्स का प्लेयर है, आई थिंक सबकी जो एक दूसरे को सपोर्ट्स करता है, एंड ऑफ द डे सर अगर कोई भी स्पोर्ट्स जीती है, आई थिंक इंडिया जीतता है सर। बिल्कुल संकेत, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कम से कम 4-5 साल से, हरमनप्रीत ये लोग मिल्क का प्रोडक्ट नहीं खाते हैं और शुगर अच्छा? नहीं खाते हैं, और दोनों के 6 पैक्स हैं, और दोनों का योयो टेस्ट का जो लेवल है, मनप्रीत का तो मुझे पता है 23.8 है, और इनका भी 21-22 से ऊपर ही होगा। आप लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस का, स्ट्रगल का, जैसे संकेत बता रहे थे, हरमनप्रीत आपसे भी जानना चाहूंगा और मनप्रीत आपसे भी, अब जब यहां से जाएंगे सबसे पहले क्या छूट के खाएंगे? सर एक्चुअली वापिस जाएंगे तो जो घर, जो भी मम्मी के हाथ का बनाएगा हम लोग वो खाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने अपने मम्मी के हाथ का नहीं खाया है। तो क्योंकि इसको भी पर्टिकुलर ये नहीं कि हम लोग कुछ ये खाएंगे, जो भी घर पे बना होगा हम लोग खाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक कि हम लोग साल हो चला है, हम लोग अभी आई थिंक घर नहीं गए, आई थिंक 9 महीने पता नहीं कितना टाइम हो गया अभी तक हम लोग घर नहीं गए, तो घर पे जो भी मम्मी बना देगी हम लोग वही खाएंगे सर।